को घोषित करने से तीन टक्कर के दावेदारों के बीच में है मुकाबला। और मैं आप सबको बता दूं कि आपके पास अब भी थोड़ा वक्त है अपने फेवरेट को चुनने का। जी हां, रात 8:30 बजे से पहले ज्यादा से ज्यादा वोट भेजकर अपने फेवरेट को बनाइए म्यूजिक की शान, बनाइए उसे इंडियन आइडल। फ्रेंड्स, उससे पहले वो 11 जबरदस्त फाइनलिस्ट जिन्होंने इन तीनों को कड़ी से कड़ी टक्कर दी, हिंदुस्तान के संगीत, संस्कृति और स्पिरिट को समेटे, ये हैं वो 11 टेरिफिक सिंगर्स। लेट्स हियर इट फॉर देम गाइस। जिया जले जा जले, जिया जले जा जले, नैन उतरे धुआ चले धुआ चले। मुंजिरी दंजी कुंजिक्यो मुंदिरी मुत्तोली जिंदिक्यो मंजरी वर्ण चुंदरी वावे तांगन नक्का तगड़ी बियाडन तंगनिलावे। जिया चले जा चले नैनो तले धुआ चले धुआ चले, रात भर धुआ चले, जानो ना जानो ना जानो ना सकी। सुनते हो, आते वक्त अदरक और मिर्ची ले आना। और तेरे को मालूम है जब वो स्टेज पे थी क्या बोलती है? क्या बोलती भाई? Once again, come on people! क्या बात करो भाई? कौन है ये? अरे अपने कालविन भाव की मुलगी रे, शिनी। ताली बजाओ ना, फिर ताली बजाओ। अब सही। हाँ भाई ना, मजा है ना। अब बजर टाइम, बजर टाइम। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई यार। शिनी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये दीदी ने, लता जी ने गाना गाया है। लता जी ने जब इस गाने को निभाया, आई एम नॉट कंपेयरिंग यू, उसमें एक्सप्रेशन कमाल था। सब जो गए गाँव बुढ़ा को भी लेके आ गया, मैं हो गई बदनाम फीलिंग। तुमने सिर्फ गाना गाया, सुर में गाया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए। ये सब नाटक जो होते हैं ना, ये सब अदाएं, ये सब चीज़ें आनी चाहिए ऐसे गानों में। आवाज़ के साथ साथ अदाएं की मुझे कम लगी। टू मी आई फील एट दिस स्टेज यू हैव टू गिव योर एक्सप्रेशंस। जी, मैं अनु की बात से सहमत हूँ और आज उसकी बहुत खामी थी, अभाव था, तो भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा है और आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो उसकी थोड़ी आप इज्जत रखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगले राउंड में आएँ और फिर वैसे ही गाएं जैसे आमतौर से आप गाती हैं। यह आपका कमज़ोर परफॉर्मेंस है। बिल्कुल शीनी, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ग्रीन लाइट दिया हुआ है। आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, इसमें तो ये बात छुपी हुई नहीं है। आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं लेकिन, और इसलिए मैं आपको वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगी कि आप धीरे धीरे ऐसे ही मास्टर करेंगी जब आप जानेंगी कि आप इस स्टेज पे हैं जहाँ आपको अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स है उसको बाहर रखना है। जब आप स्टेज पे होते हो तब आप उन सब चीज़ों को आपको भूलना है और यू हैव टू परफॉर्म। ज़रूर ये आपकी थोड़ी वीक परफॉर्मेंस थी, लेकिन और भी थे जो 2-3 जिनकी थोड़ी वीक परफॉर्मेंस थी और उनको ये ग्रीन लाइट मिला है, और उस हिसाब से मैं आपको भी ये ग्रीन लाइट देना चाहूँगी। थैंक यू मैम। बड़ी सिर्फ 17 साल और इनमें माइंड ब्लोइंग सिंगिंग तो है ही, साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल और ना जाने क्या क्या में राजा बाबू हैं। मिस्टर ऑलराउंडर हैं और अन्नू जी की भाषा में ये है 17 का खतरा। प्रेजेंटिंग द ऑलराउंडर राजदीप चैटर्जी। All of us, Rajdeep. Hey, Dilruba, कितना हंसी मेला, मेले में भी ये दिल है अकेला। दुनिया जाने न जाने आज यहाँ, पर तुझको पता तू ही मेरी लैला। ओ हबीबा क्यों तू इतनी गुमसुम है, यहाँ लाखों है चेहरे पर लगता बस हम तुम है। खोल आंखें, सारी खुशियाँ तेरे कदमों को छूमेगी, तेरी मेरी होगी जोड़ी यही दुनिया देखेगी। तू कभी ये जानेगी, तू कभी ये मानेगी, तू तू है जाने जाना, तू मेरी महबूबा। सोचा नहीं सोचा तूने, कभी सोचा नहीं सोचा तूने कभी। दिलरुबा है, ऐ दिलरुबा कितना हंसी मेला, मेले में भी ये दिल है अकेला। दुनिया जाने न जाने आज यहाँ, पर तुझको पता तू ही मेरी लैला। मेरे दिल में बस तू है ये तूने ना जाना, मैं हूँ आशिक तेरा आशिक पर तूने ना माना। शर्माती घबराती तू कितना तड़पाती, फिर भी तू मेरे दिल को क्यों इतनी है भाती। तू कभी ये जानेगी, तू कभी ये मानेगी, तू तू है जाने जाना, तू मेरी महबूबा। थैंक यू। हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऑडियंस ने सारी बातें कही दी। वंस मोर जोरों से कह रहे हैं। दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा शौक था आप जब बॉटम 6 में आए थे। इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। मुझे सीरियसली नहीं पता कि किस तरह से आए, जनता ने क्यों वोट नहीं किया। और ऑफकोर्स अनु जी भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि आप राजदीप जैसा सिंगर बॉटम 6 में कैसे आ सकता है। सर, इसको बॉटम 6 में देखकर मैंने एक जुमला बोला था कि इसकी कॉन्फिडेंस को मत तोड़ो। अच्छे सिंगर को आप बॉटम 6 लेके आते हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। कमिंग डाउन टू योर सिंगिंग टुडे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात। राज, तेरा दीप जलता रहेगा। अरे इसकी तो जय हो। अब क्या होगा, तेरा दुश्मन ना कहीं बैठा होगा, वो अपनी आँख मलता रहेगा। आउटस्टैंडिंग सिंगिंग, सुपर, और ऑक्टेव हाई नोट में सुपर सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनाली जी, आपसे जानना चाहेंगे। राजदीप, थैंक यू। अब मुझे लगा कि मैं इंडियन आइडल के इस शो को जज कर रही हूँ। क्वालिटी एट लास्ट मालूम पड़ी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने। आप अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा और इम्प्रूव कर सके तो इट विल बी फैबुलस, लेकिन आपकी स्माइल इतनी अच्छी है एंड यू सिंग इट विद सो मच जॉय कि वो चल जाता है, लेकिन यू वर फैबुलस। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैलाश जी, आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि ज़िंदगी भर इतनी डेडिकेशन रखिएगा, चाहे आप बहुत बड़े रॉक स्टार बन जाएं, आपके अंदर वाकई एक बहुत अच्छा स्टार दिखता है आने वाला, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जावेद साहब, ये है सिंगिंग, अब इसमें कोई शिकायत नहीं होती, ना गला बैठा हुआ है, ना तबीयत ख़राब थी आपकी, ना मूड की कमी है, ना अंदाज की कमी है, ना सुर की कमी है, ना ताल की कमी है, ना आवाज़ की वॉल्यूम की कमी है। ये अभी तक शिकवे शिकायतें हमारी सब चल रही थी, जब सब कुछ मिल गया तो दिल खुश है। ये थैंक यू सर, थैंक For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.